दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के मामले में कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये दावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है। बुधवार को सुनीता केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि ईडी ने उनके घर रेड मारी, महज 73,000 रुपए मिले तो 100 कॉल शराब घोटाले का पैसा आखिर कहाँ है। इतनी ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने यह भी कहा है कि दिल्ली के सीएम अपने दावों को लेकर सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, इसका खुलासा वे 28 मार्च को अदालत में करेंगे, वे इसका सबूत भी देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप सबके बीच में है। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल दूसरी बार प्रेस ने अपना बयान उन्होंने जारी किया है। इससे पहले उन्होंने 23 मार्च को प्रेस में अपना बयान दिया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में इसे लेकर इस आधार पर तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है।